वेल गुड मॉर्निंग अगेन। पेशी वॉइस का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था, इसमें हमने जनरली जो कॉमन चीजें चेंज होती हैं, कॉमन थिंग्स विच आर चेंज इन पेशी वॉइस हमने डिस्कस की। नाउ दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर पेशी वॉइस। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस के कांसेप्ट पे चर्चा करेंगे। ये जो यहां पे मैंने आपके लिए टेंस का टेबल बना रखा है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा पेशी वॉइस में भी और नरेशन में भी। अब देखिए कैसे हम इनको पार्ट कर देते हैं। हम इस तरह से हम स्टोरी की हेल्प से अच्छी टेबल कोटिंग है बना रहे हैं। तो आपके सामने ये टेबल है। एक्चुअली देयर आर थ्री टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट दे ईच हैव फोर पार्ट्स, देन 1 2 3 4 4 3 इज 12। सो आई कैन से दैट देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। जो बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि जो सेंटेंस दिया गया है, चाहे वो पेशी वॉइस हो चाहे वो नरेशन, वो किस टेंस का है, और जो बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है। रिपीट कर रहा हूँ, एक तो सेंटेंस का ये पता लगना चाहिए कि वो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस किस प्रकार का है, कि वो सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑपरेटिव है। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ये होना चाहिए कि जो दिया गया सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, कि कौन सा टेंस इस सेंटेंस में यूज है, इस टेंस हैज बीन यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। सेंटेंस का नॉर्म भी पता लग जाता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी होते हैं और थोड़ा सा स्टडी में तो पता लग जाता है, लेकिन किस टेंस में है वो सेंटेंस ये पता करने के लिए मेरे टेबल लर्न करनी होगी। बहुत इजी सा कांसेप्ट है, मैं आपको बताऊं इनको लर्न करने के लिए दो चीजें इसमें दी गई है। क्या इसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें दी गई है, एक तो ये कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, लेकिन हर टेंस की मेन वर्ब अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है हर टेंस की। लुक एट देयर, देयर इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देयर इज वर्ब आईएनजी फॉर्म, देयर इज वर्ब थर्ड फॉर्म, देयर इज वर्ब आईएनजी फॉर्म, देयर इज वर्ब सेकंड फॉर्म, देयर इज वर्ब आईएनजी फॉर्म, देयर इज वर्ब थर्ड फॉर्म, देयर इज वर्ब ing form, this verb form first form, verb की ing form, verb की third form, verb की ing form. It means आप इसमें ये देखिए टेबल में continuous नाम का आपने अभी देखा था। How many times you have seen continuous there? Look at there. Present continuous, past continuous and future continuous. Three plus present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Three three six. Six tenses में क्या यूज होता है? ing form, यानी रिपीट कर रहा हूँ। Second और जो fourth tense है, second and जो fourth tense है, हर sentence ये जो अपने 12 tenses हैं, इनमें six tenses में ing form आएगी। कौन से में? हर tense की second tense में और fourth tense में। या हम कहें जो continuous tense है, उनमें verb की ing form आएगी। तो six minus कर देते हैं, 12 में से six minus कर दिए कितने बचे? Six. अब सिक्स में से हम एक कंसेप्ट और बताता हूँ, जो थर्ड टेंस होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इट मींस थर्ड टेंस होता है परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। नेक्स्ट जो फर्स्ट टेंस होता है टेंस का, उसमें क्या आता है? वर्ब की मोस्टली फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। दिस इज द ओनली टेंस व्हिच कंसिस्ट द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, द ओनली फॉर्म। इसमें भी कब वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी, दोनों कांसेप्ट है। कैसे? अगर सेंटेंस सिंपल है, कोई सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें डिड आ जाता है साथ में। ये थे मेन वर्ब, ये थी मेन वर्ब। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा हमें लर्न करनी पड़ती है, ये कोई ज्यादा देर का कंसेप्ट नहीं, अगर हम चाहे तो वी कैन लर्न देम इन 10 मिनट्स ओनली। लुक एट इट, डू डज इज एम आर हैज हैव हैज बीन हैव बीन, डिड वाज वर हैड हैड बीन, शैल विल शैल हैव सॉरी शैल बी विल बी
सेल हैव बिल हैव सेल हैव बिल बिल हैव ये हमें लर्न करने पड़ते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अपने को लर्न होता है ये टेबल अपने बाद में माइंड सेट है कि अगर हम बिना देखे इसको ऐसा कैसा बना सकते हैं, ये आपको करना है। टेबल को लर्न करिए और बिना देखे इसको ऐसा कैसा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बना पाते हैं तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा। बहुत ही चीज़ें अगर रिपीट कर देता हूँ आपको यकीन नहीं आएगा। जो फर्स्ट टेंस है, हर टेंस का फर्स्ट टेंस सिंगल होता है। फर्स्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। यहाँ पर भी फर्स्ट है और यहाँ पर भी फर्स्ट है, लेकिन केवल पास सिंगल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? सेकंड। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, इसमें अगर सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदरवाइज सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड टेंस और फोर्थ टेंस में आईएनजी फॉर्म आती है। तो सेकंड टेंस होता है कंटीन्यूअस और फोर्थ टेंस होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, जो कंटीन्यूअस टेंस है में आईएनजी फॉर्म आता है। फिर बच गया थर्ड टेंस। तो थर्ड टेंस परफेक्ट होता है, उसमें थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड टेंस में ये थर्ड टेंस है, ये सारे थर्ड टेंस है, इनमें थर्ड फॉर्म आएगा। ये थी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें लर्न करनी पड़ती है, इसका कोई हिंट नहीं। डूडज इज एम आर हैज हैव हैज बीन हैव बीन डिड was were had had been will said shall be will be shall have will have shall have will have। ये थी हेल्पिंग वर्ब्स। अगर ये टेबल अपने को लर्न है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। इफ यू लर्न दिस टेबल एंड इफ यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज देयर दैट वी आर गोइंग टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस और इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम आराम से आगे कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को ये नहीं पता चलता कि मतलब ये सेंटेंस किस प्रकार का है और कौन सा टेंस इसमें यूज है, देन ही कांट लर्न एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और नेरेशन। ही कांट लर्न, ही और सी कांट लर्न लाइक दैट। सो आपने को ये टेबल अच्छे से कंटेस्ट कर लेनी है कि मैं इसको बिना देखे बना रहा हूं। अगर आप ना पाएंगे तो डेफिनेटली आगे का कंसेप्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम तीन प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बताए, इनको चेंज करेंगे। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। तीन प्रकार के कौन से वीडियो सॉरी कौन से सेंटेंस? फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। और देखिए सिंपल के दो पार्ट होते हैं, व्हिच वन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, कौन से? यस नो और डब्ल्यूएच, 2-4 और एक हो गया आपका इंपेरेटिव। ये फाइव प्रकार के सेंटेंस हम कह सकते हैं, हालांकि इनको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ये फाइव प्रकार के सेंटेंस हमें चेंज करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ सेंटेंसेस को सिंपल, कुछ नेगेटिव, कुछ इंटरोगेटिव, ये सब करके हम आपको चेंज कर देता हूँ। उनको ध्यान से देखना और अगले और फिर अगला जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो नेरेशन का आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वेट, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमें भूल गया टेंस कैसे चेंज होते हैं। हमने बताया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम वर्किंग कन्वर्ट करते हैं तो टेंस कैसे चेंज होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पहला दूसरे में, दूसरा चौथे में। पास्ट सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर सेंटेंस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब हमारे ये देखिए कितने टेंस बच गए, ये इसमें चेंज हो गया, ये इसमें चेंज हो गया, यानी पहला और दूसरा चेंज हो गया लेकिन दूसरा और चौथा चेंज नहीं हुआ, पहला और तीसरा चेंज हो गया लेकिन देखिए हमने प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज कर दिया लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसमें चेंज हो गया, ये भी तो एक बात है। तो एक तो ये टेंस अपना बच गया है, जी चेंज कर दिया, ये हमने इसमें चेंज कर दिया लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, तो एक ये टेंस बच गया। मैं आपको क्या कर रहा हूं, पास्ट सिंपल टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस को हमने चेंज नहीं किया, तो एक ये टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा लेकिन पास्ट परफेक्ट इसमें चेंज हुआ, ये भी बच गया। फ्यूचर सिंपल टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस को चेंज नहीं किया, ये भी बच गया। उसी तरह से फोर्थ। अब आपको बताता हूँ ये जो सेंटेंस है जिनमें मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ, जिनमें मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं। कितने सेंटेंस कितने टेंस? 1, 2, 3, 4 यानी फ्यूचर कंटिन्यूस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में चेंज। अब अपने पास कितने बच गए? प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस।
ये टेंस सेम रहते हैं, ये टेंस जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेम रहेंगे, बस इनमें एक नया वर्ड आ जाता है। वो नया वर्ड क्या है, मैं लिख रहा हूं BEING, यानी हेल्पिंग वर्ब। टेंस चेंज कुछ नहीं करना है, अपने को हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, इतना ही कांसेप्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि मेन वर्ब तो हमने ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ले ली, रूल था ना थर्ड नंबर, वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मेन वर्ब तुमने ले ली तो फिर चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जब चेंज होगी तो इसका कांसेप्ट इस तरह से रहता है, मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको बता देता हूं। पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिंपल सेंटेंस,